जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का वारजाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपके साथ ही वारजाट लेके हाजिर हूं आप सभी के बीच में फर्स्ट ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस देखने वाले हैं, सारा रणनीति देखने वाले हैं, सेकेंड पेपर जो हिंदी सब्जेक्ट है इसके लिए। तो इसके अंदर देखेंगे, बेस्ट बुक भी देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप इसके अंदर सेकंड पेपर में पढ़ने के बाद आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, अपना सपना साकार हो सकता है हिंदी से आपका फर्स्ट ग्रेड का। जिसके अंदर सेकंड पेपर का हिंदी सब्जेक्ट देखेंगे, जिसके अंदर आपका टॉपिक वाइज सिलेबस देखेंगे। और इसके अंदर आगे बढ़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि आपको हिंदी की डेली कुछ क्विज मिलती है, डेली आपको फैक्ट मिलते हैं, वो सब आपको ORJAT यूट्यूब चैनल के माध्यम से, साथ साथ में आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और हिंदी व्याकरण वगैरह का आपको बेसिक नोट्स चाहिए सब्जेक्ट का, देखो हमारे पास नहीं है, लेकिन जीके पेपर का नोट्स वगैरह चाहिए तो आपको सारा ORJAT ऐप के ऊपर मिल जाएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। और एक बड़ी इन्फॉर्मेशन, आप भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, आपको एक निःशुल्क जो चीज़ें मिल रही है उन सभी का आप फायदा उठा सकते हैं। इस बीच में आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, इन सर का आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप देख सकते हैं, संकुल क्लासेज जो आपकी है, संकुल मार्गदर्शन जो आपके है, KK सर, कुलदीप कुमार जो आपके सर हैं, आपके लिए बहुत अच्छी जो हिंदी पढ़ाते हैं, जो सेकेंड पेपर हिंदी करवाते हैं, इनका आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या बात है सर। इनकी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसके अंदर जो व्याख्याता के लिए खास तौर से चल रही है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो 200 हिंदी के टेस्ट हैं, जिसके अंदर वीडियो की कक्षाएं के माध्यम से आपको टेस्ट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर टेस्ट जो आपकी 22 मई 2024 से शुरू किया गया है सर के द्वारा, और रोजाना शाम 6 बजे अपने YouTube के माध्यम से आपको डेली का शेड्यूल बनाया हुआ है, फ्री के अंदर आपको टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे आप देखोगे 50 टेस्ट इसके अंदर आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, 50 टेस्ट डॉक्टर नगेंद्र के। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल यही रखता है कि आपका आचार्य शुक्ल और इसके अंदर रामचंद्र का जो आपका है, डॉक्टर नगेंद्र का और आचार्य शुक्ल का जो आपको पढ़ना है, इसी के बाद ही आपके सबसे बेटर परफॉर्मेंस हो पाएगी हिंदी सब्जेक्ट के अंदर। 50 टेस्ट इसके अंदर हिंदी साहित्य के मिलेंगे, 50 टेस्ट इसके अंदर हिंदी व्याकरण के मिलेंगे, 200+ इसके अंदर ट्रिक्स दी गई है, जो टॉपिकों की ट्रिक्स बनाई हुई है, आप एक बार ट्रिक्स खुद से पढ़ोगे ना, आपको लगेगा वाह यार क्या बात है सर, आपने इतना सरल कर दिया इतना मीटर। और 10,000+ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इसके अंदर व्याख्या सहित करवा रहे हैं, और टेलीग्राम के माध्यम से आपको PDF तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। और KK सर का देख सकते हैं आप सबके लिए 100 टेस्ट जो आपके हिंदी साहित्य इतिहास के लिए और अलग से लॉन्च कर रखा है, वो भी संकुल मार्गदर्शन पे शाम 6 बजे रोजाना अपलोड हो रहा है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा पूरा पॉइंट टू पॉइंट, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको सिलेबस की आपकी ऑफिशियल रूप से PDF है, ये PDF आपको ORJAT नाम से टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। ये जो आपका सेकंड पेपर जो आपका हिंदी का है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन हिंदी, जिसके अंदर स्कूल एजुकेशन का सिलेबस है, पेपर आपका सेकंड है, जिसके अंदर आपको पता है 3-4 खंड के अंदर, 3 खंड के अंदर पेपर आता है, जो 12वीं लेवल का होता है, ग्रेजुएशन लेवल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं 12th लेवल का, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, जिसके अंदर टॉपिक की मैं बात करूं आपके लिए तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपका कि आपकी 2022 की 21 की भर्ती देख लो, चाहे आपकी 24 की भर्ती आएगी उसका देख लो, सेकंड पेपर हिंदी का जो सिलेबस है वो सेम ही रहने वाला है, सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 टॉपिक आपके लिए हटा देंगे या फिर 1 या 2 टॉपिक आपके लिए जोड़ देंगे, इनसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। इसके लिए आपको कहीं कतई टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे से पढ़ता रहना है, आपको सेकंड पेपर अच्छे से तैयार करना है, आपका सेकंड पेपर में अच्छे नंबर आएंगे तो ही आपका सपना साकार होगा। तो इसके अंदर देखो जो खंड एक है, जिसके अंदर उच्च माध्यमिक स्तर जो आपका 12th लेवल का मैटर आपके लिए आएगा, इस 12th लेवल के मैटर में सबसे पहले आपको इसके अंदर अपठित गद्य पूछे जाएंगे, जिसके अंदर ज्ञान हो गए, अर्थ ग्रहण हो गए, आधारित प्रश्न जो आपके रहेंगे वो पूछे जाएंगे।
इसके बाद गद्य के बाद पद्य भी पूछा जाएगा, जिसके अंदर की ज्ञान अर्थ ग्रहण ये समालोचन जो आपके हैं इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद पत्र लेखन के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके व्यवहारिक लेखन है इनके सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके कार्यालय लेखन हो गया जिसके अंदर औपचारिक पत्र हो गया, टिप्पणी हो गई, इसके अलावा इसके अंदर जो आपका है अर्ध सरकारी पत्र हो गया, प्रेस विज्ञप्ति हो गई, जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन ये विज्ञप्ति के रूप में ये सिलेबस देख रहे हो आप पीडीएफ, तो इस टाइप का मैटर आप देख रहे हो, तो ये किस टाइप से लिखा जाता है, क्या रूल्स होता है इनके लिखने का, ये सारा इसके अंदर आपको पढ़ना होगा। इसके बाद इसके अंदर जो आपका है अलग अलग टाइप के पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन हो गए, शब्दकोश हो गए, ये सब इसके अंदर आपको पूछे जाएंगे। व्याकरण का इसके अंदर ज्ञान पूछा जाएगा, व्याकरण इसके अंदर आपके पूरी है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सब इसके अंदर व्याकरण है। आपको बेसिक व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी, क्योंकि ये चीजें बाद में आती है, वो पहले चीजें आप सीखोगे तो ही आप सेकेंड चीजें सीख पाओगे अच्छे से आसानी से। तो आप हिंदी के एक लेखक बन रहे हो, हिंदी के अध्यापक बन रहे हो, स्पेशली तौर पे 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी पढ़ाने होंगे आप, तो इसके लिए आप एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए अच्छी जानकारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, भले इस सिलेबस के अंदर नहीं रहेगा वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ आपके जो आपका घन संचार माध्यमों के लिए लेखन हो गया, इसके अंदर जन संचार जो आपका है प्रमुख माध्यम और तत्संबंधित लेखन हो गए, इसके बाद सृजनात्मक लेखन हो गया जिसमें कविता हो गई, कहानी हो गई, नाटक, डायरी, रेडियो नाटक, विषय लेखन, ये सब इसके अंदर आपके काम करेंगे, ये सब इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर आपका होगा। इसके बाद अंतरा भाग टू हो गया, अंतराल भाग जो आपका है टू हो गया, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। पुस्तकों का सम्मिलित रचना है वो आपको पढ़नी है। अब इसके अंदर स्नातक स्तर जो ग्रेजुएशन लेवल का है खंड सेकंड है, उसके अंदर आपका क्या क्या है वो चीजें देखिएगा। देखो इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए स्नातक स्तर की, हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके अंदर, जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में इतिहास लेखन की पद्धतियां जो आपकी है, इतिहास लेखन साहित्य का आरंभ जो आपका है, इसके अलावा काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल अध्ययन की प्रमुख समस्याएं जो आपकी है, भाषा और प्रमाणिकता की संबंधित समस्या है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, रचना कार्य और प्रमुख रचनाओं का परिचय है, ये सब इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद आपके भक्ति काल हो गए, इसके बाद इसके अंदर आपके संत काव्य विशेषताएं हो गई, इसके बाद सूफी काव्य हो गए, राम भक्ति काव्य हो गए, कृष्ण भक्ति काव्य हो गया, रीति काव्य हो गया, इसके इस टाइप के जो आपके हैं मुख्य रूप से टॉपिक जो आपके हैं ये सब इसके अंदर देखना पड़ेगा। देखो भक्ति काव्य में आपको क्या होता है, इसके अंदर आपका देख सकते हो विशेषता पढ़नी होती है, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं क्या क्या है वो सब इसके अंदर देखना पड़ता है। हिंदी एक टफ भाषा जरूर है, लेकिन पढ़ना शुरू करने के बाद बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ हिंदी के अंदर जो आप है, हिंदी नवजागरण जो आपके है भारतेंदु हो गया, इसके अलावा भारतेंदु मंडल के साहित्यकार हो गए, इसके भारतेंदु के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग, छायावाद के प्रमुख कवि और रचनाएं, प्रगतिवाद जो प्रयोगवाद, नई कविताओं और समकालीन कविता है इनके बारे में बात करनी है आपको। इसके बाद हिंदी गद्य उद्भव और विकास आपको पढ़ने हैं। इसके बाद आपकी हिंदी गद्य और उद्भव विकास के अंदर आपको देखिएगा, आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना पड़ेगा, हिंदी उपन्यास हो गया जिसके अंदर आपका प्रेमचंद का पूर्व प्रेम जो आपका प्रेमचंद चंद्रयोगन और प्रेमचंद तोर ये भी आपको पढ़ना है, इनके उपन्यास और प्रमुख जो आपकी प्रवृत्तियां हैं वो आपकी देखनी है। हिंदी के निबंध का उद्भव और विकास क्या है वो भी इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हिंदी की कहानियां सबसे मोस्ट ये रहती है कि आप हिंदी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी हिंदी जो शब्दावली है उसको ज़्यादा ट्रैक करते चलेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। हिंदी नाटक का उद्भव विकास, प्रमुख नाटककार हो जाएंगे। हिंदी गद्य की अन्य विद्या क्या है, आत्मकथा हो गई, जीवनी हो गई, संस्मरण हो गया, रेखाचित्र और रिपोर्टर जो आपकी हो गई, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना है। इसके अलावा काव्य शास्त्र के अंदर भी आपको भर भर के आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काव्य शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके, काफ़ी ज़्यादा जो इसके अंदर रोल रहता है, जिसके अंदर शब्द शक्ति हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, काव्य गुण, काव्य रस, अन्य जो आपके बिंब, प्रतीक
और मिथक फेटेंसी जो ये सब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये सब इसके अंदर पढ़ने के बाद आपको इसके अंदर जो आपका है अलग अलग आप इसके अंदर जो आपका है, देखो छंद एक टॉपिक जरूर है, इस छंद के अंदर कितने टाइप के छंद आ जाते हैं जिसके अंदर आपके दो हो जाते हैं, चौपाई सोरठा रोला, ये सब इसके अंदर आपके मिलता जुलता टॉपिक है। ये सब इसके अंदर आपको जो काव्य शास्त्र है इसके अंदर पूछा जाता है, इससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत अच्छे निकल के आते हैं। और ये सब प्रश्न आप उन टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो आपके के सर की टेस्ट सीरीज है इनके माध्यम से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, जो इसके अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं खंड थर्ड की, जो आपका एमए लेवल का है, जिसके अंदर आप देखेंगे जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का है, पीजी का है, इस पीजी लेवल के अंदर आपको काव्य के लक्षण पढ़ने हैं, काव्य के प्रयोजन और काव्य हेतु पढ़ना है, और रस निष्पत्ति जो आपका पढ़ना है, साधारीकरण जो आपके है, जो आपकी ध्वनि सिद्धांत वो पढ़ना है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और लोजाइंस का उदात्त जो आपका तत्व पढ़ना है। इसके अलावा जो आपका है फोर्थ पार्ट भी इसके अंदर लगता है। ये तो आपका थर्ड पार्ट तक तीन चीजें हो गई, मैंने आपको मोटा मोटी तीन चीज बताई थी, लेकिन आपको फोर्थ पार्ट कौन बताएगा, फोर्थ पार्ट भी देख लीजिएगा। ये भी आपके एक सेकेंड पार्ट सेकेंड सब्जेक्ट का जो आपका है भाग है, इससे भी आपको काफी अच्छा सीखने मिलता है। तो इसके अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर देखिएगा, जिसके अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान आपको पढ़नी पड़ती है, शिक्षा शास्त्र पढ़नी पड़ती है, शिक्षण अधिगम सामग्री और कंप्यूटर, ये सब इसके अंदर देखना पड़ता है। तो इसके अंदर शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान की बात करूं तो अधिगम कर्ता पढ़ना है, शिक्षक के बारे में पढ़ना है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपको पढ़नी है, विद्यालय प्रभावशीलता जो आपकी पढ़नी है। इसके बाद आपको अधिगमकर्ता का विकास, किशोरावस्था और आपको ये सब इसके अंदर पढ़ना है, संज्ञात्मक शारीरिक जो आपका है ये इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट देखना है। इसके बाद आपकी जो साइकोलॉजी के अंदर शिक्षण अधिगम है वो आपको पढ़ना है, किशोरावस्था के बारे में आपको पढ़ना है, इसके अलावा किशोरावस्था के जो आपके व्यूह रचना है वो सब इसके अंदर देखनी है। इसके अलावा जो ICT के बारे में क्या है वो देखिएगा, जिसके अंदर देखो सूचना और तकनीकी जो आपकी कंप्यूटर है मोटा मोटी जो आपका कंप्यूटर इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा वो भी आपके इसके अंदर देखते रहिएगा, जिसके अंदर आपको सोचना है जो आपकी ICT है वो देखिएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है वो भी देखिएगा, प्रणाली उपगम अनुसंधान कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम जो आपकी CL है और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन CAI है, और ICT शिक्षा शास्त्र समाकलन में प्रभावित करने वाले कारक क्या है वो भी इसके अंदर देखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपकी मैं बताना चाहूंगा सेकंड पेपर के अंदर जो आपकी मोटी मोटी चीजें जो रहती है कि आप सबने ये टॉपिक देखे हैं कि ये टॉपिक पूछे जाते हैं। अब कोई भी आप बुक्स लाते हैं तो इन बुक्स के अंदर ये सब जितने भी मैटर मैंने बताए हैं उन सब के अंदर आपको मेंशन होना चाहिए। आप पहले किताब से इंडेक्स देखिए, इंडेक्स देखने के बाद सारे आप एक एक टॉपिक ओपन करके देखिएगा, इसके बाद किताब कितनी बड़ी है दो तीन किताबों का आप कंपैरिजन कीजिए, उसके बाद उस किताब को परचेज कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तो किताब अच्छी चॉइस करना मतलब बहुत जरूरी है। और इसके अलावा मैं किताब और सजेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा अभी। देखो इसके अंदर आपको मैंने तीन निश्चय बताए थे कि 12th लेवल का मैटर आएगा, इसके अलावा इसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल का मैटर आएगा, UG का बात किया था UG का, और इसके अंदर आपका PG का बात किया था। इसके अलावा इसके अंदर आपको साइकोलॉजी पेडालॉजी, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड और इसके अंदर आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, ये सब इसके अंदर रहेगा। देखो इसके अंदर आपका टोटल 110 मार्क्स का जो 12th लेवल का मैटर आता है, 110 मार्क्स का ही ग्रेजुएशन लेवल का, और पोस्ट ग्रेजुएशन का मात्र 20 मार्क्स का आता है, 60 मार्क्स का आपका जो जिसके अंदर कंप्यूटर आ जाता है, जिसके अंदर शिक्षण विधि आ जाती है, जिसके अंदर आपका साइकोलॉजी आ जाती है, तीनों चीजें इसके अंदर कवर होती है। ये टोटल मिला के आपको 300 मार्क्स का होता है पेपर, और 150 मार्क्स का आपका GK पेपर होता है, टोटल 450 मार्क्स रहता है। अब नेक्स्ट पेपर के अंदर अलग अलग सब्जेक्टों की मेरिट बात करूंगा मैं, कि आपके सेकंड पेपर जितने भी है जिसके अंदर हिंदी क्या हो गया, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, भूगोल, ये सब इसके अंदर मैं कवर करूंगा, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ये सब सब्जेक्ट जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट की कट ऑफ देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज फाइनल कट ऑफ जो पिछली भर्ती है उसकी क्या रही थी, आप कितने नंबर का टारगेट लेके चलते हैं तब आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये सब इसके अंदर देखने वाले हैं।
अब इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग आपको पता है होती है, कंफर्म है, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अब इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन अब आपका एक डाउट जरूर रह गया होगा। डाउट ये रह गया होगा कि मेरा इसके अंदर जो है कि किताबें कौन सी पढ़ूँ, कौन सी बेहतरीन किताबें हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एक दो नाम बता देता हूँ मैं आपको कि आप इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा के सर की हिंदी की जो किताब आती है आरबीडी पब्लिकेशन से, जो आपकी व्याख्याता के लिए, तो इस किताब को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जिसके अलावा आपकी मैया सर की है, लक्ष्य पब्लिकेशन की आती है, मिश्रा सर की है, पुरस्कार की है। ये पांच किताबें बेटर किताबें हैं, इन गाइडों से अच्छी और कोई गाइड नहीं आती। इन गाइडों को आप पढ़ लोगे तो आपका सेकंड पेपर आराम से हो जाएगा। इन पांच गाइडों में से कोई एक गाइड ले आइए आप, ठीक है। एक गाइड कंप्लीट करने के बाद उसी गाइड को आप बार बार पढ़िए। एक गाइड में से मैं मानता हूं कि आपका 80-85% जो आपका मैटर है वो जरूर आ जाएगा। 80% से 85% आपका मैटर जरूर आ जाएगा। तो आप बाहर की चीजें क्यों पढ़ रहे हो? इन गाइडों के अलावा आप कुछ मत पढ़िए, आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी एक बार सारे सब्जेक्ट के बारे में पूरे तरह से एक्सप्लेन करके बता दिया, टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता दिया, बेस्ट आपकी बुक्स रिकमेंड मैंने कर दी। सेकंड पेपर हिंदी के लिए सिलेबस की मेन चर्चा आपने की थी, वो कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।